हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम जो है दुर्गा मंदिर पे आए हुए हैं। बहुत खूबसूरत दुर्गा मंदिर है, आप देख सकते हैं। पीछे हमारा पीछे जो है वो दुर्गा मंदिर है, देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही बढ़िया सजावट किया गया। और अभी पूजा भी हो रहा है और वहाँ पे मंत्र जपा जा रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आया हूँ तो यहाँ मार्केट करने आया था और दुकानें माल देने आया था, तो मैं सोचा कि चलो एक ब्लॉग सुना लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि आखिर किस तरह का जो है यहाँ पर सजावट किया गया है। बेहतरीन चले आपको दिखलाते हैं। इस तरफ देख सकते हैं पूरा का पूरा मंदिर है उधर, और सजाया हुआ किधर है उधर देख सकते हैं। और यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट लगता है, देख सकते हैं पूरा का पूरा मार्केट है इस तरफ, पूरा का पूरा देखिए। और बहुत बेहतरीन लगता है जैसे कि, और लोग जो है बहुत, अभी तो शाम का, अभी मतलब कि लगभग 8 से 9 बज रहा होगा, इसीलिए जो है थोड़ा सा कम भीड़ है, लेकिन बहुत सारा भीड़ था। गाँव का मंदिर है, बहुत अच्छा से सजाया गया है। और इसी तरह से मतलब हिंदू धर्म का जो ये पर्व है दुर्गा पूजा दशहरा, ये सबके लिए खुशी लेके आता है। और ये इसमें बहुत लोग एंजॉय करते हैं, नया कपड़ा खरीदा जाता है, मेला देखा जाता है, मेला देखते हैं लोग और कपड़ा खरीदते हैं। और माँ दुर्गा का जो है 9 रूप का पूजा किया जाता है, 9 दिन जो है इस तरह से जो हमारा दशहरा पूजा मनाया जाता है दशमी। और क्योंकि भगवान राम जो है दर्श स्थापन किए थे और देवी का पूजा किए थे रावण को, रावण का वध करने से पहले, और नवमी को जो है जतरा बनाया गया था और दशमी को दशहरा, मतलब कि रावण का जो है मतलब रावण को मार दिया गया था जतरा बना करके, तो इसीलिए दशहरा मनाया जाता है। तो चलिए, हम यहाँ पे बहुत बेहतरीन लगा, अच्छा लगा देखने में। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।